सिंगोई तहसील क्षेत्र में एक आदिवासी युवक की बबर हत्या के बाद शासन प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। नामजद 8 आरोपी में से अब तक 7 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बाबत जानकारी देते हुए सिंगोली थाना अधिकारी रमेश चंद डांगी ने बताया कि 7 आरोपी सत्तू गुजर को उसके ही गांव के पास गिरफ्तार किया गया। इससे पूर्व मंगलवार शाम पुलिस को सूचना मिली कि घटना में शामिल आरोपी सत्तू गुजर, जिसकी गिरफ्तारी पर 5,000 का इनाम रखा गया, वो अपनी कार से कहीं जाने वाला है। सूचना पर तुरंत हरकत में आई पुलिस टीम ने ग्राम पाटन के पास घेराबंदी कर एक अल्टो कार से फरार होने के प्रयास करते हुए सत्तू गुजर को गिरफ्तार किया गया। थाना अधिकारी रमेश चंद ने बताया है कि विगत 26 अगस्त सुबह ग्राम अथवा कला के पास आदिवासी युवक काना को पिकअप से बांध कर सड़क पर घसीटने के बाद उसकी मौत हो गई थी। हालांकि घटना के बाद से ही पुलिस वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक कुल 7 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके। 7 आरोपी के रूप में गिरफ्तार सत्यनारायण गुजर और सत्तू डॉक्टर पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा गया था। थाना सिंगोली में कन्हैयालाल भील के हत्या मामले में फरार 2 आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का जो इनाम घोषित कर रखा था, उसमें से एक आरोपी सत्यनारायण गुर्जर को आज रात्रि में पुलिस की विशेष टीम द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। उसके कब्जे से घटना के दौरान उसके द्वारा प्रयोग की गई कार अल्टो और एक मोबाइल फ़ोन को जब्त करने में सफलता मिली है। अन्य एक और फरार आरोपी धीरज धाकड़ निवासी चल्दू की तलाश पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है और उसके ऊपर भी श्रीमान द्वारा 5,000 रुपये इनाम घोषित कर रखा है। सिंगोली से महबूब मेयू की रिपोर्ट।